सिर्फ कमलनाथ और कांग्रेस की लहर चल रही है और जनता की लहर चल रही है। जिस तरीके से इस देश के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में करा, राज्य में करा, पूरा देश इनको सबक सिखाने खड़ा हुआ है। इस प्रदेश की जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों पर ये प्रदेश महफूज नहीं है। पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला, स्कॉलरशिप घोटाला, ग्वालियर में हमारा कभी महापौर नहीं बना, सिंधिया जैसे गद्दार के जाने के बाद ग्वालियर में, मुरैना में हमारा महापौर बन गया। देखिए, डबल इंजन की सरकार चल रही, मगर जो बड़ा इंजन है उसने छोटे इंजन को पटरी से बाहर कर दिया। 10-10 सांसद लड़ा के शिवराज सिंह जी तो समझ ले कि उनका इंजन पटरी पे है कि नहीं है। जो 7 सांसद लड़ाए गए हैं उन्हीं में सर फटा हुआ है कि हम में से मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन सा इंजन पटरी में फिट होगा पहले वो तो तय हो जाए। 10 लोकसभा की सीटें आपने क्यों खाली कर दी? क्या इसके 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद आपको लोकसभा में नहीं जाना है? अगर सरकार बनानी भारतीय जनता पार्टी की तो एक जगह से माननीय मोदी जी को भी लड़ना चाहिए, एक जगह से अमित शाह जी को भी लड़ना चाहिए, राजनाथ सिंह को भी लड़ना चाहिए। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होने हैं। इसी बीच नेताओं की तरफ से बयानबाजी और वादों का एक अंबार लगा हुआ है। हम जनता के बीच हैं, जनता से जान रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में क्या होगा, कमल खिलेगा या फिर कमलनाथ आएंगे। अभी हमारे साथ सौरभ नाटी जी हैं, कांग्रेस नेता हैं, उनसे जानेंगे क्या लगता है 17 नवंबर को, कमल या कमलनाथ? देखिए, कमलनाथ तो 2018 में भी आए थे और उनको लेके आई थी इस प्रदेश की जनता, और उस प्रदेश की जनता ने ये सोचा था कि 15 साल का जो कुशासन है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, ये प्रदेश जो है ये आगे तरक्की करेगा। और 1.5 साल की सरकार में माननीय कमलनाथ जी उस तरीके से काम भी कर रहे थे, लेकिन जिनने कमलनाथ को लाया था, कमलनाथ की सरकार को लाया था, उनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह ने करा। कांग्रेस पार्टी के विधायकों को खरीदा गया, षड्यंत्र के तौर पर उस सरकार को गिराया गया। तो कमलनाथ जी के प्रति जो आम जनता का स्नेह और जो 3.5 साल जो विकास यात्रा इस मध्य प्रदेश की बाधित करी गई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एक बहुत बड़ा आक्रोश मध्य प्रदेश में इस 2023 के चुनाव में दिख रहा है। आप देखेंगे 17 नवंबर को जब ये चुनाव होगा, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता तो पीछे रहेगा, मगर इस मध्य प्रदेश का जो मतदाता है कहीं आगे बढ़ बढ़ के माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने निकले। लेकिन शिवराज सरकार तो कह रहे हैं ना कि मध्य प्रदेश विकास की पटरी पे अब दौड़ रहा है। देखिए, शिवराज जी तो ऐसे हैं कि जहां नदी नहीं होती वहां पुल बना देते हैं। तो अगर आप उनके उससे देखें, उनने बयान दिया था कि मैं अमेरिका गया था तो वहां की रोडों को देख के मेरे को आश्चर्य हुआ कि इससे ज्यादा बेहतर रोडें हमारे मध्य प्रदेश की हैं। वहीं दूसरे दिन बुधनी की रोडों का वीडियो आता है जहां पर कुलाटी खाते खाते शिवराज सिंह जी जा रहे हैं। 1 किलोमीटर का जो रास्ता है 1.5 घंटे में तय कर रहे हैं बुधनी में। तो शिवराज सिंह जी क्या बोलते हैं, ये प्रदेश की जनता जान चुकी है, उसी का प्रतिफल है कि 2023 में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार चल रही है। देखिए, डबल इंजन की सरकार चल रही, मगर जो बड़ा इंजन है उसने छोटे इंजन को पटरी से बाहर कर दिया। 10-10 सांसद लड़ा के पहले शिवराज सिंह जी तो समझ ले कि उनका इंजन पटरी पे है कि नहीं है। जो 7 सांसद लड़ाए गए हैं उन्हीं में सर फटा हुआ है कि हम में से मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो ये डबल इंजन नहीं, ये तो 11 इंजन की सरकार चाहे वो तय तो कर ले कौन सा इंजन पटरी में फिट होगा पहले वो तो तय हो जाए। तो आप छोड़िए, कोई डबल अबल इंजन की सरकार नहीं है। झूठ और मोदी लहर मध्य प्रदेश में चलेगी कि नहीं चलेगी, मोदी जी के भाषण उठा के देख लीजिए पिछले 1.5 माह के, जहां कहीं भी जा रहे हैं विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन की वे तैयारी में है, शिवराज सिंह का नाम नहीं लेते हैं, प्रदेश की योजनाओं पे बोलते नहीं है, कई कई मंचों पे तो शिवराज सिंह जी को भाषण तक देने नहीं मिलता है। मोदी फैक्टर कुछ नहीं है और मोदी जी तो लग रहा है शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन कर दिया जा रहा है। देखिए, ना केवल शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश की जनता ने पूरे भारतीय जनता पार्टी को साइडलाइन कर दिया है। जिस मानस के साथ भारतीय जनता पार्टी ने ये 3 सांसद और 3 केंद्रीय मंत्री लड़ा रहे हैं, इसमें से इक्का दुक्का जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। इस प्रदेश की जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों पर ये प्रदेश महफूज नहीं है, और जितना लपरापंती की बातें शिवराज सिंह जी ने इन 18.5 साल में करे हैं जनता उसको जान चुकी है। अरे, एक सांसद उतरे हैं मैदान में, संसदीय क्षेत्र होता है, बड़ा होता है, तो विधानसभा चुनाव उनके लिए तो छोटी बात है, जीत जाएंगे वो कह रहे हैं। यानी वे जीत जाएंगे तो मैं तो कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में अगर सरकार बनानी भारतीय जनता पार्टी की तो एक जगह से माननीय मोदी जी को भी लड़ना चाहिए, एक जगह से अमित शाह जी को भी लड़ना चाहिए, राजनाथ सिंह को भी लड़ना चाहिए। ये वे सांसद हैं जो अपने लोकसभा क्षेत्र में हमारे यहाँ राकेश सिंह जी लड़ रहे हैं, जब वो पश्चिम विधानसभा में प्रचार में जा रहे हैं तो उनको पश्चिम विधानसभा की गली मोहल्ले नहीं पता। जिस गली मोहल्ले में जा रहे हैं वहाँ की जनता बोल रही है कि 20 साल से आप लोकसभा के सदस्य हो, देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य के तौर पर हमने आपको भेजा, इस 20 साल में आप हमारे
हमारे मोहल्ले गली नहीं आए, लेकिन आज जब आपकी परीक्षा की गली आई है तो आप इधर पर आ रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं। और वहीं पर जो हमारा कांग्रेस का वहां पर प्रत्याशी है, दो बार से निरंतर आम जनता के दुख दर्द में खड़ा हुआ है, उनकी मूलभूत सुविधाओं का उसने ख्याल रखा है, वो जितनी भी वहाँ पर सर्वहारा वर्ग के हमारे लोग हैं। कितनी जाएगी इस बार, कितनी जाएगी आप लोगों की सीट? आप जोधपुर की बात करें, मध्य प्रदेश में कम से कम हम लोग की 150 सीट आने की। शिवराज सरकार 200 क्या वादा कर रहे हैं, 200 अब शिवराज, सुनिए सुनिए, शिवराज सिंह जी का मेरा आपको एक उदाहरण देता हूं। एक उनका शिगुफा है, अब की बार 200 पार, ये अब की बार 200 पार, अब की बार 200 पार करते करते पिछले बार वो चले गए थे छत्तीसगढ़, वहां भी उनने बोल दिया अब की बार 200 पार, फिर पता चला कि यहां तो 200 सीट ही नहीं है। थोड़ा आगे बढ़े, पेट्रोल पंप के बाहर लगा रहे थे नारा अब की बार 200 पार, तो सबको लगा पेट्रोल 200 पार हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में उनकी उनने नैया डुबो दी। तो हम तो दावा नहीं करते, आपने हमने हमसे पूछा तो व्यक्तिगत हमने आपको मजे ले रहे हैं, लेकिन नहीं मजा नहीं ले रहे हैं, ये सत्य है। अब की बार 200 पार होएगा अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो। अच्छा, तो अब केंद्र में भी नहीं आ रही, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। जिस तरीके से इस देश के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में करा, राज्य में करा, पूरा देश इनको सबक सिखाने खड़ा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि हमने लाडली बहनों के लिए काम किया है, लाडली बहनें हमारी राज तिलक करेगी। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी ने 18.5 साल में जितनी भी घोषणाएं करी हैं, जितनी भी योजनाएं लाई हैं, उनको पलीता लगा है 2-4-6 महीने में। चुनाव को देखते हुए 3 महीने लाडली बहना को आप 1250 रुपए दे रहे हैं। मैं आपके मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता को, हर एक जनप्रतिनिधि को और शिवराज सिंह जी से मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आपकी सरकार आती है, जिसके आसार बिल्कुल नहीं है, तो आप शपथ पत्र दीजिए अभी कि आपकी सरकार आएगी तो पूरे 5 साल हम हमारी लाडली बहनाओं को ये राशि देंगे। इसके पीछे इनका षड्यंत्र सुनिए, अगर इनकी सरकार आती है, माननीय न्यायालय में एक पिटीशन लगाई जाएगी, उस पिटीशन का हवाला देते हुए कि हमारा जो मध्य प्रदेश है जिसपे प्रति व्यक्ति पर 50,000 रुपए कर्जा है, उसके बाद आप इस योजना में पैसा दे रहे हैं, तो तत्काल उस योजना को बंद कर लिया जाएगा और चुनाव के दृष्टिकोण में उसका फायदा लिया जाएगा। ये शिवराज सिंह जी की एक मोरस ऑपरेंडी रहती है, जो इस प्रदेश का जो हमारा अनपढ़ भाई भी है वो भी इसको समझ चुका है। जो दिग्गज उतारे गए हैं मैदान में, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? मतलब देखिए उनने जिस तरीके से दिग्गज उतारे हैं, यही उनकी घबराहट दर्शाती है। इनको उतारने के पहले भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम बहुत कंफर्टेबली जीत रहे हैं। जब आप जीत रहे हैं तो ये 10 लोकसभा की सीटें आपने क्यों खाली कर दी? क्या इसके 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद आपको लोकसभा में नहीं जाना है? ये भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में, हड़बड़ी में जो निर्णय लिया है, ये उनको दांव उल्टा पड़ गया है। इनको ये जब 3 दिसंबर को हमारी काउंटिंग होने जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, ये अपने शहर में दिखेंगे तक नहीं। देखिए, पिछली बार आपको सीट आई 114 जी, तो कह रहे हैं कि पिछली बार सीट 114 इसलिए आ गई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ थे, कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, आप भाजपा में चले गए तो उसका एक प्रभाव पड़ेगा। उसका प्रभाव देख लीजिए, क्या जो मैं दिखा रहा हूँ ना, बताइए उसका प्रभाव देख लीजिए। जब उपचुनाव हुए थे तो 9 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी, उसमें से 7 चंबल की जीती थी। ग्वालियर में हमारा कभी महापौर नहीं बना, सिंधिया जैसे गद्दार के जाने के बाद ग्वालियर में, मुरैना में हमारा महापौर बन गया। अभी भी आपका सर्वे बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर किसी भी रीजन में सबसे ज्यादा गेन कर रही है तो चंबल में कर रही है। ये सिंधिया की गलत फहमी थी कि उससे पार्टी चल रही है, पार्टी से वो चल रहा था। जब वो इस पार्टी से गद्दारी करके चला गया, देख लीजिए किस हाशिए पर है। और कांग्रेस पार्टी पूरे चंबल में उन चुनाव में भी उनने राइज करा, हमारे जो नगरीय निकाय के चुनाव थे उसमें भी हमारे 2-2 महापौर जीते, और अभी भी पूरे सब सर्वे बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा जीत हमारी चंबल से होने। आपके कहने का मतलब है सिंधिया की अपनी जमीन खिसक रही है? सिंधिया कोई फैक्टर ही नहीं था, सिंधिया अगर फैक्टर होता तो वो उपचुनाव हम नहीं जीतते, 2-2 महापौर हम नहीं जीतते, सिंधिया के रहते हम वहाँ महापौर नहीं जीत पाए, सिंधिया के जाते ही हम मुरैना महापौर जीते, हम ग्वालियर महापौर जीते, और अभी भी हम ग्वालियर में क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। सिंधिया कोई फैक्टर नहीं है। मोदी लहर काम करेगी कि नहीं मध्य प्रदेश? नहीं, कोई लहर नहीं है, कहाँ से कायम करेगी? कोई लहर हो तो इधर सिर्फ कमलनाथ और कांग्रेस की लहर चल रही है और जनता की लहर चल रही है, क्योंकि जिस जनता ने 2018 में चुनाव जिताया था, जिस जनता ने 2018 में कमलनाथ जी को इस प्रदेश की बागडोर दी थी, वे अपने आप को ठगा महसूस कर रही। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता से ज्यादा इस प्रदेश की जनता इस चुनाव को कांग्रेस के पक्ष में जिता के देगी। मध्य प्रदेश चुनाव में मुद्दा क्या होगा इस बार? बेरोजगारी,
महंगाई, मध्य प्रदेश से नौजवानों का पलायन, इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस, मध्य प्रदेश में कोई ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं है, झूठे वादे, झूठी घोषणाएं, अराजकता का माहौल, ये तमाम मुद्दे हैं। ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जिससे कोई वर्ग प्रभावित ना रहा हो। आज मध्य प्रदेश की स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश का जो नौजवान है ना मध्य प्रदेश में पढ़ना चाहता है ना मध्य प्रदेश में रुकना चाहता है। जिस तरीके से शिक्षा का व्यापारीकरण किया गया, जिस तरीके से शिक्षा को लूटा गया, पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला, स्कॉलरशिप घोटाला, तीन तीन साल से नर्सिंग कॉलेज के जो हमारे एग्जाम नहीं हो रहे, जो हमारा छात्र फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था वो थर्ड ईयर में पहुंच गया, फाइनल ईयर में पहुंच गया, आज तक उसका फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ, तो आप सोचिए किस कदर की महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा सब होगा। सब सब मुद्दे हैं, कोई वर्ग ऐसा नहीं है, कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिसने जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रताड़ित नहीं। तो कहते हैं ना कि इन सबके बीच राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी हो जाता है, तो ये राष्ट्रवाद ये सिखाएंगे जो अंग्रेजों के मुखबिर थे, जो गोडसे की प्रतिमा लगा रहे हैं, जो गोडसे की पूजा कर रहे हैं, जो अंग्रेजों से इनाम पाते थे, ये हमको राष्ट्रवाद सिखाएंगे? राष्ट्रवाद हमसे सीखना चाहिए जिन लोगों ने पीढ़ियों से कुर्बानी दी है इस देश के लिए, गुलामी के समय अपना खून बहाया है, और इस देश के नवनिर्माण में भी इंदिरा गांधी की कुर्बानी नहीं भूल सकता ये देश, राजीव गांधी की कुर्बानी नहीं भूल सकता ये देश। ये हमको राष्ट्रवाद सिखाएंगे जिनने अपनी छिंगली तक नहीं कटाई? पूरा विश्व जानता है, पूरा देश जानता है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग रहे जब गुलामी थी, अंग्रेजों से मुखबरी कर करके इनाम पाया करते।